नमस्कार, मैं विधि अग्निहोत्री। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनावी समीकरण में। आइए आज हम आपको लिए चलते हैं नारायणपुर विधानसभा सीट पर और बताते हैं कि क्या कुछ समीकरण इस सीट पर दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ने अपने उसी प्रत्याशी पर दांव लगाया है जो बीते 15 सालों से इस सीट पर अपनी जीत दर्ज कराते आए हैं। जी हां, बीजेपी ने केदार कश्यप को इस सीट से टिकट दिया है। आपको बता दें, केदार कश्यप बीजेपी के एक बड़े नेता बलिराम कश्यप के बेटे रह चुके हैं। केदार कश्यप की नारायणपुर सीट पर खासी पकड़ है और ये बीजेपी के एक दमदार प्रत्याशी हैं। तो वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने चंदन कश्यप को इस सीट से टिकट दिया है। चंदन कश्यप एक रिटायर शिक्षक हैं और जनता के बीच इनकी छवि काफ़ी सरल है, जिसके चलते इन्हें वोट मिल सकते हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर एक चुनावी दंगल खेला है। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने बलिराम कचलाम को इस सीट से टिकट दिया है। आपको बता दें कि बलिराम कचलाम अब तक कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार करते आए हैं, तो आम आदमी पार्टी ने बलिराम कचलाम को इस सीट से उतार कर एक दांव खेलने की कोशिश की है और ये दांव कांग्रेस पर कहीं ना कहीं भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। तो चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट में कि क्या बीजेपी इस सीट पर अपना कमल खिला पाएगी या फिर आम आदमी पार्टी यहाँ पर कोई करिश्मा दिखाती है या ये सीट एक बार कांग्रेस के पंजे में जकड़ जाएगी। छत्तीसगढ़ का नारायणपुर क्षेत्र धुर नक्सली प्रभावित इलाका है और आए दिन यहाँ नक्सली घटनाएं होती रहती हैं। यह क्षेत्र भाजपा का गढ़ है और पिछले 15 सालों से बीजेपी यहाँ अपनी जीत दर्ज कराती आई है। इस बार भी 2018 के विधानसभा चुनाव में यहाँ जबरदस्त चुनावी दंगल देखने को मिलेगा। कोंटा विधानसभा सीट की तरह यहाँ त्रिकोणी मुकाबला देखने को नहीं मिलता। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर होने वाली है। कौन कौन से प्रत्याशी मैदान में हैं? बीजेपी से केदार कश्यप, कांग्रेस से चंदन कश्यप, आम आदमी पार्टी से बलिराम कचलाम, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी। इस चुनाव में क्या स्थानीय मुद्दे हैं जनता के? अबुझमाड़ का विकास। नारायणपुर का एक बड़ा हिस्सा है अबुझमाड़। जी हाँ, यहाँ विकास की अगर बात की जाए तो जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से अबुझमाड़ के कोर इलाकों में विकास नहीं पहुँच पाया है। इतने सालों के बाद आज भी अबुझमाड़ विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ सका है। केवल 10% पंचायत ही यहाँ विकास की मुख्य धारा से जुड़ पाए हैं। सिंचाई व्यवस्था का सुधार। आज से 50-60 साल पहले देश में जिस तरह से खेती की जाती थी, अबुझमाड़ में आज भी उसी परंपरागत तरीके से खेती की जाती है। यहाँ ना तो सिंचाई की उचित व्यवस्था है और ना ही आधुनिक खेती करने का कोई तरीका। रोजगार। इस क्षेत्र के युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। युवा चाहते हैं कि उन्हें रोजगार के ज्यादा से ज्यादा साधन उपलब्ध कराए जाएं। सौर ऊर्जा। नारायणपुर जिले में सौर ऊर्जा तकनीक से कुछ ही गांव रोशन हो पाए हैं। अभी भी ऐसे कई गांव हैं जो रोशन होने के इंतजार में हैं। आइए जानते हैं क्या कहता है चुनावी समीकरण। बीजेपी ने एक बार फिर यहां रिस्क न लेते हुए केदार कश्यप को ही टिकट दिया है। केदार कश्यप आदिवासियों के प्रखर नेता और बस्तर में बीजेपी का कमल खिलाने वाले बड़े नेता बलिराम कश्यप के बेटे हैं। ये बीजेपी के एक दमदार प्रत्याशी हैं। भानपुरी और आसपास के गांवों में
जनता के बीच इनकी पकड़ काफी मजबूत है। इन गांवों के लगभग सभी वोट इन्हें ही मिलते हैं। इसी वजह के चलते केदार कश्यप को एक बार फिर यहीं से टिकट दिया गया है। विकास के पैमाने पर अगर सरकार को तोला जाए तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि विकास हुआ तो है, लेकिन विकास यहां सिर्फ शहरी क्षेत्रों में ही देखने को मिलता है। नारायणपुर से आप कुछ ही किलोमीटर अंदर जाएं तो वहां की स्थिति ज्यादा बदली दिखाई नहीं देती है। इसलिए जनता इस बार विकास के आधार पर वोट देने के मूड में दिख रही है। कांग्रेस इस सीट से जीतना कांग्रेस के लिए एक टेढ़ी खीर है, क्योंकि यहां पिछले 15 सालों से बीजेपी ही बाजी मार रही है। बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने एक बार फिर उसी चेहरे को उतारा है। जी हां, ये प्रत्याशी हैं चंदन कश्यप, जो एक रिटायर शिक्षक हैं। इनकी छवि जनता के बीच अच्छी है। सरल व्यक्तित्व के चलते इन्हें जनता के वोट मिल सकते हैं। हालांकि 2013 के चुनाव में केदार कश्यप ने इन्हें लगभग 12,000 वोटों से हराया था। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी इस चुनावी समीकरण में कांग्रेस का खेल बिगाड़ने वाली पार्टी बनकर उतरी है जोगी कांग्रेस। जी हां, जोगी कांग्रेस ने बलिराम कचलाम को नारायणपुर से टिकट दिया है। बलिराम नारायणपुर के रहने वाले हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी जबरदस्त पकड़ रखते हैं। इससे पहले बलिराम कांग्रेस के लिए ही प्रचार प्रसार करते आए हैं। ऐसे में बलिराम का चुनाव लड़ना कांग्रेस के लिए वोट काट सकता है, जिसका सीधा फायदा यहां बीजेपी को होता दिखाई दे रहा है। अब चुनाव के परिणाम ही बता पाएंगे कि बीजेपी यहां अपना कमल खिलाने में कामयाब होती है या फिर कांग्रेस के पंजे में ये क्षेत्र आता है।